नमस्कार, मैं अजय कुमार। जब आप मोदी सरकार की राजनीति करने के तौर तरीके की ईमानदारी से लिस्ट बनाएंगे तो सारे तरीके उसमें बेईमान नजर आएंगे। उन बेईमान तरीकों में से एक तरीका यह है कि वह लगातार दिखाने की कोशिश करती है कि भ्रष्टाचार का परनाला भाजपा में नहीं, भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियों के भीतर बहता है। देश चलाने की सिस्टम में इस तरह की बेईमान रणनीतियों को रोकने का तरीका भी है। तरीका बहुत सिंपल सा है कि मीडिया भाजपा के भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर सवाल उठाए और भारत सरकार की स्वतंत्र जांच एजेंसियां भाजपा के भ्रष्टाचार की संभावनाओं की पूरी ईमानदारी से छानबीन करें। केवल इतना हो जाए तो आपको दिखने लगेगा कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की संभावनाओं के समंदर में विपक्ष के भ्रष्टाचार की संभावनाएं बूंद बराबर भी नहीं है। मगर मोदी सरकार ने देश चलाने के सिस्टम को हड़प लिया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी तमाम तरह की भारत सरकार की जांच एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार देश के पूरे विपक्ष को या तो भाजपा का गुलाम बनाना चाहती है या बर्बाद कर देना चाहती है। मंदिर मस्जिद विवाद के अलावा अगर आप कुछ और भी सोचते हैं तो खुद सोचकर बताइए कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहते हुए देश चलाने के सिस्टम को हड़प ले, क्या वह पॉलिटिकल पार्टी खुलेआम देशद्रोह करने की कैटेगरी में नहीं आएगी? ताजा मामला झारखंड का है। झारखंड की सरकार को ईडी के जरिए गिराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गैरकानूनी तौर पर जमीन हथियाने के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से झारखंड की सरकार और गवर्नर के बीच तकरार चल रही है, उससे लग रहा है कि यह सारा कामझाम झारखंड की सरकार को गिराने के लिए किया गया है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या थी। उस पर्याप्त संख्या के बावजूद भी घंटे लटकाए रखा गया कि झारखंड में मुक्ति मोर्चा की तरफ से चंपई सोरेन की सरकार न बन पाए, लेकिन बाद में जाकर के चंपई सोरेन की सरकार बन गई। नामी गिरामी कॉरपोरेट चैनल के पत्रकार सुधीर चौधरी इस मामले पर विश्लेषण करते हैं कि हेमंत सोरेन बहुत ज्यादा विलासी जिंदगी जीते हैं। जेल की रात उनके लिए ऐसी होगी जैसे 20-30 साल पहले वह किसी आदिवासी जंगल में किसी आदिवासी की तरह रहते हों। यकीनन नेताओं की जिंदगी बहुत ज्यादा विलासी है, मगर भाजपा के नेताओं की विलासी जिंदगी के मुकाबले विपक्ष के नेताओं की क्या हैसियत? नरेंद्र मोदी तो अपने सूट के धागे में मोदी 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 लिखवाते हैं, हर घंटे कपड़े बदलते हैं। भाजपा के नेताओं की विलासी जिंदगी पर लिखने लगा जाए तो पूरा पुराण लिख दिया जाएगा। बस इतना समझिए कि मोदी सरकार के नेताओं की विलासी जिंदगी भारत की प्रति व्यक्ति महीने की 9 से 10 हजार रुपए आमदनी के सामने पेश की जाने वाली सबसे बड़ी अश्लीलता है। और सुधीर चौधरी ने जो आदिवासी जनजीवन को निकृष्ट बताने की कोशिश की है, उस पर झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ट्विटर पर लिखा है कि मिस्र और फराओं से लेकर मेसोपोटामिया तक दुनिया की कई सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हम बचे हुए हैं क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं और हर मुसीबत से जूझने का जज्बा रखते हैं। हम दुनिया के सबसे पुरानी जीवित सभ्यता में से एक हैं जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आदिवासी होने पर हमें गर्व है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहां कहीं भी विपक्ष की मजबूत मौजूदगी है, उसके पीछे मोदी सरकार की कठपुतली बन चुकी जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को शराब नीति घोटाले के मामले में आरोपी बनाकर तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे दिग्गज नेता इस मामले में जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की गर्दन पर भी इस मामले में ईडी की तलवार लटक रही है। जबकि हकीकत यह है कि शराब नीति घोटाले की प्रकृति ऐसी है कि अगर इस नीतिगत मसले से जुड़े घोटाले के आरोप पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को गिरफ्तार करना सही है तो देश भर के सारे नेता गलत नीति लागू करने के आरोप में जेल के अंदर होने चाहिए। खासकर नरेंद्र मोदी, जिनके नोटबंदी की नीति के लागू करने की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई और भारत की इकॉनमी को बहुत बड़ा धक्का मारने के आरोप में जेल के पीछे उन्हें होना चाहिए। केरल को छोड़कर पूरे भारत में वामपंथी दलों की सरकार नहीं है। केरल में कई सालों से वामपंथी दलों की सरकार है। केवल एक जगह इनकी सरकार है और इनका कामकाज इतना बेहतरीन है कि कई मानकों पर भारत के सभी दूसरे राज्य केरल के पीछे खड़े नजर आते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। भाजपा केरल को जीत नहीं सकती है और वामपंथी दलों के कामकाज के सामने अपनी सरकार के कामकाज को नहीं रख सकती है, तो पिनराई विजयन के पीछे भी ईडी को लगा रखा है। 13 साल पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मॉडर्नाइजेशन से जुड़े घोटाले के आरोप में सीबीआई ने पिनराई विजयन को अपनी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर शामिल किया था।
उस समय पिनराई विजयन केरल के बिजली मंत्री हुआ करते थे। उस समय का मामला साल 2021 में फिर से खोला गया है और इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 3 मामलों में आरोपी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उनके पीछे भी पड़ी है। ईडी ने उन पर आरोप लगाया है कि जब वह सरकार में थे तब महादेव गेमिंग ऐप, कोल ट्रांसपोर्टेशन और शराब की दुकानों के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग भी किया करते थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय इन्हें ईडी वाले खूब परेशान कर रहे थे। बिहार में लालू यादव के पूरे परिवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप में घेरने की कोशिश की जा रही है। यह मामला भी आज का नहीं है, साल 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, मतलब तब से लेकर अब तक 15 साल बीत चुके हैं। सीबीआई ने साल 2011 में इस मामले को बंद कर दिया था, मगर साल 2017 में जब महागठबंधन की सरकार थी तो यह मामला फिर से खोल दिया गया था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, सरकार धूमधाम से चल रही थी। तभी लालू यादव के परिवार के घरों पर जांच एजेंसियों ने छापा मार दिया। बिहार की सरकार को तोड़ने का काम करना था, सरकार टूट गई और नीतीश कुमार अपने स्वभाव के अनुरूप पलटकर भाजपा में जाकर मिल गए। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 5 साल तक इस मामले में किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हुई, मगर जैसे ही नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़कर तेजस्वी यादव का हाथ थामा तो फिर से इस फाइल को खोल दिया गया। अब यह फाइल ऐसी बन गई है कि भाजपा चाहती है कि इस केस के बहाने लालू यादव के परिवार की पूरी पॉलिटिक्स को ही खत्म कर दिया जाए। अभी हाल फिलहाल की बात है कि इधर नीतीश पलट करके भाजपा में चले गए और उधर नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप में लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ घंटों पूछताछ हुई। हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मानेसर भूमि घोटाले के आरोप में जांच चल रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर एम्बुलेंस घोटाने पर जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले और खनन कॉन्ट्रैक्ट में अनियमितता के आरोप में जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर के भाजपा के अलावा सभी प्रमुख नेताओं पर, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तीनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। इन तीनों पर जांच चल रही है। इस तरह से जब आप गिनते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हर विपक्षी नेता के खिलाफ किसी न किसी तरह का आरोप है। जब भी मोदी सरकार को लगता है कि राजनीतिक माहौल को साम दाम से नहीं जीत पा रही है वो, तो वह दंड भेद का इस्तेमाल करती है, भारत सरकार की जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगा देती है। मौजूदा वक्त तो इलेक्शन का है, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो जांच एजेंसियां हर विपक्षी सरकार के पीछे पीछे चल पड़ी हैं। इन सभी आरोपों को बताने का मतलब यह नहीं है कि इन सभी आरोपों की छानबीन नहीं होनी चाहिए, इन सभी आरोपों की छानबीन होनी चाहिए, मगर केवल विपक्ष के नेताओं के आरोपों की छानबीन होगी तो इसका मतलब यह होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार करने की खुली छूट केवल भाजपा को दी जा रही है। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में भी समझ लीजिए। ईडी को सर्च करने का अधिकार है, संपत्ति को जब्ती और कुर्की का अधिकार है, आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। अभी जो जानकारी दी है उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गिरफ्तारियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही हैं। इस पर साल 2022 के अपने एक लेख में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव बताते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को हद से ज़्यादा सख्तियाँ मिली हुई हैं। अपराध की कमाई जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है उन सबको आरोपी बना करके ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी आरोप लगा देगी, मगर आरोपी की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट के सामने वह खुद को निर्दोष साबित करे। जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी को मिली हद से ज्यादा शक्तियों पर लगाम लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट का सच भी तो सत्ता की ताकत की लाइन पर ही चलता है। जस्टिस खानविलकर ने रिटायरमेंट से ठीक 1 महीने पहले मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी के मिले सभी अधिकारों को वैध ठहरा दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए आया था, मगर पिछले कई सालों से राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले औसतन 100 से 200 केस दर्ज किए जाते थे, मगर भाजपा के दौर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2019-20 में 562 मामले दर्ज किए, 2020-21 में 981 मामले दर्ज किए और साल 2021-22 में 1180 मामले दर्ज किए। जब विपक्षी पार्टियों ने ईडी पर केवल विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया
तो ईडी ने 31 जनवरी साल 2023 तक के आंकड़े जारी किए। ईडी के मुताबिक पीएमएलए कानून आने के बाद 31 जनवरी 2023 तक 5906 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से महज 3% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। साथ में ईडी ने यह भी दावा किया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानून के तहत पिछले 18 साल का कन्विक्शन रेट 96% का है। अब आप कहेंगे कि आंकड़े ईडी के बारे में वैसा कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं जैसा उस पर आरोप लगाया जाता है, मगर आंकड़ों को पूरे परिप्रेक्ष्य में समझिए तो दिखेगा कि अधूरा सच कितना बड़ा भ्रम पैदा करता है। साल 2005 से लेकर जनवरी 2023 ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5906 मामले दर्ज किए। इनमें से केवल 25 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है, 24 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। कितने मामलों में सजा हुई यानी कि कन्विक्शन रेट की गिनती इस आधार पर होती है कि कितने मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है। इसी आधार पर ईडी ने बताया है कि 96% कन्विक्शन रेट है, मगर 5906 मामले दर्ज किए गए हैं। उस आधार पर 25 मामलों में ट्रायल पूरा हो जाने का मतलब यह है कि केवल 0.42% मामले में ट्रायल पूरी हुई है। यानी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर आरोपियों को कई साल तक लटकाए रखा गया होगा, और कई साल तक आरोपियों को लटकाए रखने का मतलब है कि उन्हें लंबे समय तक प्रताड़ना के दौर से गुजरना होगा। यह बात किसी भी जांच एजेंसी के कामकाज पर गंभीर सवाल या निशान खड़ा करती है। अब बात करते हैं नेताओं के मामले पर। साल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईडी ने पिछले 18 साल में 147 प्रमुख नेताओं की जांच की। इनमें से 85% नेता विपक्षी दल के थे। साल 2014 के बाद भाजपा के दौर में 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 विपक्षी नेता हैं। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। यूपीए शासन यानी 2004 से लेकर 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 नेताओं की जांच की। इनमें विपक्ष के 14 यानी करीब 54% नेता शामिल थे। साल 2014 के बाद ईडी ने जितने नेताओं को निशाने पर लिया उनमें से बीजेपी गठबंधन के 6 नेता हैं, कांग्रेस के 24 नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के 19 नेता हैं, एनसीपी के 11 नेता हैं, शिवसेना के 8 नेता हैं, राजद के 5 नेता हैं, बीजेपी के 6 नेता हैं, डीएमके के 6 नेता हैं। इस तरह से जोड़ते चले जाइए तो ईडी ने साल 2014 के बाद कुल नेताओं के यहाँ छापेमारी में से तकरीबन 95% छापेमारी विपक्षी दल के नेताओं के यहाँ की है, जबकि भाजपा गठबंधन के केवल 6 नेताओं पर छापेमारी हुई है। जहाँ पर सरकार की कुर्सी हथियाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके विधायकों को खरीदने के कई बार आरोप लगे हैं, तो क्यों ना कहा जाए कि विपक्ष के इस जुमले में दम है कि ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं बल्कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा। जहां तक भाजपा के नेताओं के घोटालों की बात है तो अंग्रेजी के जितने अक्षर हैं उन सब अक्षर से मोदी सरकार के मौजूदा नेताओं के ऊपर घोटालों के आरोप हैं। ए से अडानी घोटाला, बी से बाल्को घोटाला, सी से चिक्की घोटाला, डी से दाल घोटाला, ई से अर्थक्वेक रिलीफ घोटाला, एफ से फिशरीज घोटाला, जी से जेएसपीसी घोटाला, एच से हुडको घोटाला, आई से इंडिगो घोटाला, एल से ललित मोदी घोटाला, वी से व्यापम घोटाला, आर से राफेल घोटाला। इस तरह से अंग्रेजी के हर अक्षर से जुड़े घोटाले के नाम में भाजपा के नेता आरोपी हैं। केवल उनकी छानबीन कर दी जाए और छानबीन के बहाने आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह जेल में फंसा दिया जाए तो मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट जेल में पहुंच जाएगी। केवल अडानी घोटाला इतना बड़ा है कि उसके भीतर विपक्ष के सारे घोटाले समा जाएंगे, मगर इन सब पर किसी भी तरह की जांच नहीं होती है। शारदा चिटफंड घोटाले में हिमंता बिस्व शर्मा आरोपी थे, बीजेपी में आ गए, साफ सुथरे हो गए और धूमधाम से मुख्यमंत्री बनकर लगातार हर दिन जहर उगलते रहते हैं। नारदा घोटाले में पश्चिम बंगाल के नेता मुकुल रॉय आरोपी थे, भाजपा में आए, वह भी साफ सुथरा हो गए। इरीगेशन स्कैम में अजित पवार आरोपी थे, महाराष्ट्र सदन स्कैम में छगन भुजबल आरोपी थे। इन लोगों ने महाराष्ट्र की एनसीपी की पार्टी तोड़ दी, भाजपा में आकर शामिल हो गए, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन गई। यह सभी लोग नरेंद्र मोदी को देवता कहने लगे, इन सभी लोगों के पाप धुल गए। इस तरह की अनेकों मामले हैं जिससे पूरा भारतीय जनतंत्र बर्बाद होते हुए दिख रहा है। न्यूज लॉन्ड्री पर छपी बसंत कुमार की रिपोर्ट बताती है कि 9 साल में केवल प्रिंट मीडिया यानी अखबार के जरिए विज्ञापन पर मोदी सरकार ने 2300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी रोजाना के हिसाब से देखा जाए तो 71 लाख रुपए रोजाना। मोदी सरकार को इतना बड़ा पैसा किसने दिया भाई?
क्या इसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? क्या यह एक तरह का घोटाला नहीं है? यह तो केवल प्रिंट मीडिया की बात है। इसके साथ भाजपा का प्रचार प्रसार करने में दिन रात टीवी मीडिया लगी हुई है। सोशल मीडिया के अथाह समंदर में न जाने कितने ट्रोल लगे हुए हैं। इन सबको मिलने वाला नाजायज पैसा कहां से आता है? क्या इस पर छानबीन नहीं होगी? अब आप सोच कर देखिए कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 5% अमीरों के पास देश के 60% से ज़्यादा की संपत्ति है। विधायकों से लेकर सांसदों के केवल चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लोकसभा 2019 के चुनाव में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च हुई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था समय समय पर देश के पार्टियों से लेकर नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा जारी करती है। इससे पता चलता है कि भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को मिलता है उसका तकरीबन 60% हिस्सा केवल भाजपा के खाते में जाता है। कई रिपोर्ट छपती हैं जो यह बताती हैं कि कई सांसद और विधायकों की संपत्ति अगले चुनाव तक दोगुने से ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप गांव देहात कस्बा जाकर रिपोर्टिंग करने वाले लोगों से बारीक ढंग से पूछेंगे कि विधायक और सांसद की संपत्ति के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे कि सांसद और विधायक साहब विश्वविद्यालय से लेकर शराब का ठेका, पेट्रोल पंप से लेकर ईंट की भट्टी तक चलाते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि यकूत संपत्ति रखने वाले लोग ईमानदारी से कितना कमाते हैं और बेईमानी से कितना कमाते होंगे। कहने का मतलब यह है कि काली कमाई यानी गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई करने की संभावना भारत में प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। मगर आखिरकार ऐसी कौन सी बात है कि देश के सबसे प्रतिभावान अधिकारियों से सजी धजी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की संस्था ज्यादातर वही छापा मारती है जो विपक्ष के नेता होते हैं या किसी ना किसी तरह से सरकार की आलोचना कर रहे होते हैं? क्या वजह है कि छापा कभी भाजपा के विधायकों और सांसदों पर नहीं पड़ता है? अगर ईडी भ्रष्टाचार की सारी गली छोड़कर केवल विपक्ष के भ्रष्टाचार की गली में घुसेगी तो कैसे कहा जाएगा कि वह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरह काम कर रही है, न कि भाजपा के इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह? इस तरह से पूरी कहानी यह है कि विपक्ष को खत्म करने में ईडी के जरिए मोदी सरकार लगी हुई है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।